हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वी आर कमिंग विद मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मेरा सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा, दैट विल बिलोंग टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर हैं, जिसको कहते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आफ्टर फंड फ्लो स्टेटमेंट आई एम शिफ्टिंग टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आज हम करेंगे, नंबर वन मेरा लेक्चर होगा हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट विल बी रिलेटेड टू टेक्निक्स। टेक्निक्स मींस मेथोडोलॉजी हम डिस्कस करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है और कैसे बनाई जाती है। अब सबसे पहले हम अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करें, इंट्रोडक्शन करें, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मींस इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम द कंसर्न। अब हमारे किसी भी कंसर्न में हमारे कैश या कैश जो हमारे कैश या कैश हमारे इक्विवेलेंट्स हैं, उनका इनफ्लो होना या आउटफ्लो होना, इसको हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी उनका इंक्रीज इन कैश फ्लो या डिक्रीज इन कैश फ्लो, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसकी रिसर्च होती है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि फर्म में कितना कैश इंक्रीज हुआ या कैश इक्विवेलेंट्स इंक्रीज हुए, या फर्म में कितना कैश डिक्रीज हुआ या कैश इक्विवेलेंट डिक्रीज हुए। अब जब हम करते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो कैश इक्विवेलेंट में हमारा एक तो होता है कैश, कैश इन हैंड को हम डील करते हैं, बैंक बैलेंस को डील करते हैं, एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट, इनको हम कहते हैं कैश इक्विवेलेंट। तो इनका इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, दैट विल बिलोंग टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमारी कैश फ्लो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, जिसको हम इनफ्लो कहते हैं या आउटफ्लो कहते हैं। सो इसको हम डील करते हैं अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो इन्हें कंसर्न, ये हमें अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट की नॉलेज चाहिए, तो उसकी इंक्रीज और डिक्रीज को हम चेक करते हैं इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब मैं बताना चाहता हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें रिक्वायरमेंट क्या होगी। वी नीड 2 ईयर्स बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन, जैसे हम फंड फ्लो में करते थे, वहां भी हमें 2 ईयर्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, लायबिलिटीज की और एसेट की, तभी हम कंपैरिजन करते थे वर्किंग कैपिटल का। सिमिलरली हमें रिक्वायर्ड होगी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 2 ईयर्स बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मींस हमें एसेट भी चाहिए, 2 ईयर का रिकॉर्ड चाहिए, हमें लायबिलिटीज का भी 2 ईयर का रिकॉर्ड चाहिए फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जो हमें बैलेंस शीट गिवन होगी, 2 ईयर्स डाटा हमें गिवन होगा, देन वी हैव टू गो फॉर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 हम डील करने वाले हैं। हमारी 3 एक्टिविटीज होती हैं, मेनली देयर आर 3 एक्टिविटीज जो हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 2 होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नंबर 3 होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर ये तीनों एक्टिविटी को क्लब कर दिया जाए, कंसोलिडेट कर दिया जाए, तो हमें आंसर मिल जाता है कि किसी भी हमारे कंसर्न में कैश और कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, उनकी क्या पोजीशन है। ये तीनों एक्टिविटी से हम पोजीशन को चेक कर सकते हैं। तो नंबर 1 पार्ट होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नंबर 2 होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नंबर 3 होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हमें इन 3 एक्टिविटीज को डिटेल्ड हमें अंडरस्टैंड करना होगा, व्हाट शैल बी प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। अब हम ये देखना चाहते हैं, तो नंबर 1 टॉपिक आता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जब हम ऑपरेटिंग की बात करते हैं, देयर आर 2 मेथड्स इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नंबर 1 होता है डायरेक्ट मेथड, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। नंबर 2 जो होता है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के 2 मेथड होते हैं,
तो इसमें हम अपना कैश इनफ्लो या आउटफ्लो को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर वन डायरेक्ट मेथड होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और नंबर सेकंड मेथड होगा इनडायरेक्ट मेथड। जो इनडायरेक्ट मेथड है वो बड़ा वाइडली यूज होता है, बड़ा पॉपुलर होता है, उसको हम हर सम में यूज कर सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट होता है वो किसी किसी सम में यूज हो सकता है। अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि हमारे डायरेक्ट मेथड में क्या मेथड है, हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम कैश को कैसे कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट मेथड। अगर हम डायरेक्ट मेथड लेते हैं तो सबसे पहले हमें इनफ्लो को कैलकुलेट करना होगा। इनफ्लो मींस इंक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो जब हम कैश की बात करते हैं, कैश इक्विवेलेंट हमारे साथ में ही होते हैं, जिसको हम कहते हैं बैंक बैलेंस या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज या हम कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये भी हमारा कैश के इक्वली माना जाता है। अब यहाँ पे हम देते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हम इनफ्लो की बात करेंगे, इंक्रीज इन कैश की बात करेंगे। नंबर वन होगा कैश सेल। जो कैश सेल होती है उससे हमारा इनफ्लो बढ़ता है, इंक्रीज इन कैश होता है। सिमिलरली सेकंड पॉइंट होगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ये भी हमारा इनफ्लो होता है, इससे हमारा कैश या बैंक बैलेंस इंक्रीज होते हैं। उसके बाद है कमीशन रिसीव, जो भी हमारी ऑपरेटिंग इनकम है बिजनेस की, कमीशन जो भी हमारे ऑपरेटिंग इनकम्स होंगी अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो दैट विल इंक्रीज द इनफ्लो ऑफ कैश। तो हमारे फॉर्म का कैश बढ़ेगा, हमारे कंसर्न का कैश बढ़ेगा, तो यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड इनफ्लो होगा, ऑपरेटिंग इनकम रिसीव्ड, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव्ड, जो भी हमारी इनकम्स हैं जो हम रिसीव कर रहे हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड, जो नॉर्मल इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम है जो हमारी अगर रिसीव्ड हो रही है तो उससे हमारा कैश इनफ्लो बढ़ रहा है, तो उसको हम कहते हैं इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम लेस करते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेटिंग हमारे जो एक्सपेंडिचर है उनको अगर हम लेस करें तो ये हमारे होते हैं नेट, उसका आंसर होगा दैट विल बी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम लेस क्या करेंगे, नंबर वन होगा कैश परचेजेस, जो हमने परचेज कैश में किए हैं उसको हम लेस करते हैं क्योंकि वहां पे हमारा आउटफ्लो हो रहा है। सिमिलरली कैश पेड टू क्रेडिटर, इससे भी हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, फर्म से कैश जा रहा है, कंसर्न से कैश आउटफ्लो हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तो इसको हम लेस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे कैश के होंगे, इनको भी हम लेस करेंगे, आउटफ्लो होगा। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम कहते हैं रेंट पेड, सैलरीज पेड, कमीशन पेड, जो नॉर्मल एक्सपेंसेस हम पे करते हैं तो वहां से हमारा कैश डिक्लाइन होता है, कैश इज गोइंग आउटसाइड, तो उसको हम कहते हैं आउटफ्लो, डिक्लाइन हो रहा है। और लास्ट में हम कहते हैं टैक्स पेड, तो टैक्स पेड को हम लेस कर देते हैं, ये भी हमारी फर्म से कैश जा रहा है। तो नेट आंसर हम कहते हैं नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये हमारा डिस्कशन था अंडर डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर बड़ा सिंपल, हम लेते हैं जो हमारी रिसीव्ट्स हैं उनको प्लस कर देते हैं, जो पेमेंट्स हैं उनको हम लेस कर देते हैं, तो नेट आंसर हमें मिलता है डायरेक्ट मेथड में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर हमारा आंसर प्लस में होगा तो हम कहते हैं फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर हमारा आंसर नेगेटिव में होगा तो हम कहते हैं कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये हमने डायरेक्ट मेथड के बारे में बात की। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो मेथड रहता है, बड़ा पॉपुलर रहता है, जो हर सम में यूज होता है, दैट इज इनडायरेक्ट मेथड। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक हमारा इनडायरेक्ट मेथड होता है जो हर सम में यूज होता है, दैट इज वेरी मच पॉपुलर, जिसको हमें यूज करना होता है, जहां से हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर कैलकुलेशन में मिलता है। अब हम ले लें इनडायरेक्ट मेथड। तो हमें 2 ईयर की बैलेंस शीट गिवन है, हमारे पास सामने 2 ईयर बैलेंस शीट का रिकॉर्ड है, हमारे पास लायबिलिटीज भी हैं, एसेट भी हैं, जैसे हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट में किया था वैसे वहां भी हमें 2 ईयर की बैलेंस शीट चाहिए थी, वहां पे हमने वर्किंग कैपिटल का शेड्यूल बनाया था। सिमिलरली
यहाँ पे भी 2 ईयर डेटा हमें गिवन है, बैलेंस शीट हमें गिवन है, लाइबिलिटीज आर गिवन, एसेट आर गिवन, सो दैट वी कैन कंपेयर द इंक्रीज और डिक्रीज, ताकि हम इंक्रीज और डिक्रीज को कंपेयर कर सकें। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट मेथड, वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब इनडायरेक्ट मेथड हम स्टार्ट करेंगे, पहला पॉइंट होगा हमें देखना होगा डिफरेंस इन प्रॉफिट। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस गिवन होगा, ये हमारा लायबिलिटीज में गिवन होगा, और 2 ईयर डाटा हमें गिवन होगा। वहां पे हमें सबसे पहले पीएनएल बैलेंस को देखना है, जिसको कई बार लिखा होता है रिटेन्ड अर्निंग, कई बार लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कई बार सरप्लस भी लिखा होता है इन द बैलेंस शीट। तो ये हमें शो करता है दैट इज ए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा लायबिलिटी में गिवन होगा, तो कई बार एसेट में भी होता है। अगर एसेट में होगा तो वो लॉस शो करेगा, पी एंड एल अगर एसेट में होगा, अगर लाइबिलिटी में होगा तो वो हमें प्रॉफिट शो करता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहला स्टेप होता है डिफरेंस इन प्रॉफिट। हमें 2 ईयर के रिकॉर्ड में देखना है, यानी पहले हम चेक करेंगे प्रीवियस ईयर होना चाहिए, फिर होना चाहिए करंट ईयर। तो कई बार हमारे एग्जामिनेशन में सम में रिवर्स होता है, करंट पहले होता है, प्रीवियस बाद में होता है, तो हमें कंपेयर करना है फ्रॉम प्रीवियस टू करंट, यानी 2010 to 2011, यानी 2010 पहले होना चाहिए, 11 बाद में होना चाहिए, तब हमारा कंपैरिजन ठीक होगा। तो सबसे पहले हमने कंपेयर किया प्रॉफिट का डिफरेंस, और यहाँ पे अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे हम पॉजिटिव अमाउंट लिखेंगे। कई बार प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको ब्रैकेट डाल देते हैं, तो ब्रैकेट का मतलब है नेगेटिव फिगर। तो अगर हमारा प्रॉफिट डिक्रीज होता तो उसको हम नेगेटिव में डाल देते हैं, यानी ब्रैकेट पुट कर देते हैं इन द कैलकुलेशन। तो डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है, अगर इंक्रीज होगा तो प्लस होगा, डिक्रीज होगा हमने ब्रैकेट डाल दी। उसके बाद हमारा जो स्टेप है, हमें कुछ बड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए जिसको हम ऐड करेंगे या लेस करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप होगा कि जो प्रॉफिट हमें गिवन है उसको हमने एडजस्टेड प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, यानी वी हैव टू कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर गोइंग फॉर द फाइनल आंसर ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहला स्टेप होगा कि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टेड प्रॉफिट को कैलकुलेट करें। तो जो प्रॉफिट हमें गिवन है, अब मैंने ऐड करना है ऐड नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब हम नॉन ऑपरेटिंग, जो भी हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, उसको हम ऐड कर रहे हैं। नंबर वन आएगा डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन हमें गिवन है तो उसको हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने लिया इंक्रीज इन जनरल रिजर्व। हमें 2 ईयर का डाटा गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है, लायबिलिटीज में अगर जनरल रिजर्व बढ़ रहा है फ्रॉम प्रीवियस टू करंट ईयर, हमें ऐसे चेक करना है, तो अगर जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज को हम ऐड बैक करेंगे, डिफरेंस को हम ऐड बैक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ। अब गुडविल का बैलेंस जितना कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑफ, तो जो भी रिटर्न ऑफ डिक्रीज हो रही है गुडविल की, उसके डिफरेंस को भी हम थर्ड पॉइंट में ऐड बैक करेंगे। उसके बाद पेटेंट्स, अगर ये हमें एसेट में गिवन है, बैलेंस शीट में 2 ईयर रिकॉर्ड में गिवन है, तो पेटेंट अगर हमारे डिक्रीज हो रहे हैं तो जितना डिक्रीज हो रहे हैं उसको हम कहते हैं रिटर्न ऑफ, तो ये भी हम उसको ऐड बैक करेंगे अपने प्रॉफिट में। ये मेरा पॉइंट होगा नंबर 4। नंबर 5th पॉइंट, अगर मुझे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन है बैलेंस शीट एसेट में, तो वो भी अगर डिक्रीज हो रहे हैं, रिटर्न ऑफ हो रहे हैं, तो उसको भी हम ऐड बैक करेंगे उसके डिफरेंस को। नंबर 6th पॉइंट, कोई भी अगर फिक्स्ड एसेट में कोई लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट जो हम कहते हैं लॉस हुआ है, तो वो भी हम ऐड बैक करेंगे इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद नंबर 7, अगर हमारा किसी कंपनी ने रिडम्पशन की है, जैसे हम कहते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अगर कंपनी ने रिडीम किए हैं और वो प्रीमियम पे रिडीम किए हैं, महंगे रेट पे प्रीमियम पे रिडीम किए हैं, तो जो भी लॉस है प्रीमियम और रिडम्पशन, वो भी हम यहाँ पे ऐड बैक करेंगे। उसके बाद नंबर 8 पॉइंट मैंने लिया प्रोविजन फॉर टैक्स।
अगर हमने टैक्स का प्रोविजन बनाया वो भी हम ऐड बैक करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट होगा डिविडेंड पे। अगर कंपनी ने डिविडेंड पे किया हमारी एडजस्टमेंट में गिवन है तो वो भी ऐड बैक होगा प्रॉफिट में, क्योंकि ये भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है तो इसको भी हमने ऐड बैक करना है। तो मैंने 9 पॉइंट लिए जो हमारे यही मेन पॉइंट होते हैं जो ऐड होते हैं उसको हम दोबारा ऐड बैक करते हैं, जिनको हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम। तो ये प्रॉफिट में हम ऐड करें तो ये हमने ऐड किया। अब टू आइटम मैंने मेन लिए हैं जो लेस होती हैं। नंबर वन आइटम होती है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अगर हमें प्रॉफिट गिवन है ऑन सेल ऑफ एसेट तो वो लेस होगा। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट डाल दी है, ब्रैकेट मींस वो हमारा नेगेटिव होगा या लेस होगा। उसके बाद डिविडेंड रिसीव, अगर हमारी कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जिसको हम डिविडेंड रिसीव कहते हैं वो भी गिवन है तो वो भी लेस होगा, एक ब्रैकेट हमने वो भी डाल दी है। अगर हम ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें मिलेगा एडजस्टेड प्रॉफिट। तो सबसे पहला काम है हमने एडजस्टेड प्रॉफिट को कैलकुलेट किया इन द इनडायरेक्ट मेथड फॉर ऑपरेटिंग फॉर हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो इनडायरेक्ट मेथड में पहले हम एडजस्टेड प्रॉफिट बनाते हैं। बनाने के लिए मैंने पहले नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को ऐड किया और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हमने लेस किया तो ये आंसर मेरा बनेगा एडजस्टेड प्रॉफिट। तो ये मेरा पहला पार्ट होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। अभी हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फाइनल आंसर में हमें पहुंचना है तो पहला स्टेप होता है कि एडजस्टेड प्रॉफिट को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, अब जो भी हमारी बैलेंस शीट, क्योंकि मेरे पास 2 ईयर का डाटा गिवन है, बैलेंस शीट है, एसेट्स और लायबिलिटी है। अब जितनी भी हमारी इंक्रीज इन करंट एसेट हैं, मैंने 2 ईयर डाटा से अपना कंपैरिजन किया, आई हैव कंपेयर्ड फ्रॉम प्रीवियस 2 करंट ईयर, तो जितनी मेरी करंट एसेट बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन उसमें हमें ये ध्यान रखना है एक्सेप्ट इनको छोड़ के, कैश और कैश इक्विवेलेंट को छोड़ के, यानी हमें कैश को भी कंपेयर नहीं करना, बैंक बैलेंस को भी कंपेयर नहीं करना और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हम कंपेयर नहीं करेंगे। जिनको हम कैश के इक्विवेलेंट कहते हैं उनको हमें छोड़ के, उनको लेफ्ट करके, उनको लीव करके हमें रिमेनिंग करंट एसेट को कंपेयर करना है। अगर इंक्रीज हो रही है हमारी करंट एसेट तो हम नेगेटिव ले लेते हैं जिसको कहते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब है हमें एडजस्टेड प्रॉफिट से लेस कर देना है जितनी हमारी करंट एसेट में इंक्रीज होगी, लेकिन इसमें हमें कैश नहीं लेना और बैंक भी नहीं लेना और करंट हमारी इन्वेस्टमेंट भी नहीं लेनी। जिनको हम कैश के इक्विवेलेंट कहते हैं उनको लीव करके रिमेनिंग करंट एसेट का हमें कंपैरिजन करना है। अगर उनमें इंक्रीज हो रहा है तो हम नेगेटिव करेंगे, ब्रैकेट डाल देंगे। सिमिलरली करंट एसेट में अगर डिक्रीज आ रहा है तो हम उसको प्लस कर देते हैं, लेकिन यहाँ भी हमें कैश और कैश के वेरिएंट का कंपैरिजन कभी नहीं करना। अगर डिक्रीज आता है तो हम प्लस कर देते हैं। सिमिलरली करंट लायबिलिटीज में अगर इंक्रीज आ रहा है तो हम उसको प्लस कर देते हैं और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में हम नेगेटिव कर देते हैं, ब्रैकेट डाल देते हैं। अगर इसको मैं क्लियर करूं तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा करंट एसेट के साथ इनवर्स रिलेशन है और करंट लायबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। कहने का मतलब ये होगा अगर हमारी करंट एसेट बढ़ती है तो हम नेगेटिव डाल देते हैं, करंट एसेट कम होती है तो हम पॉजिटिव कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, करंट लायबिलिटी कम होती है तो हम लेस कर लेते हैं, करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो हम प्लस कर लेते हैं। तो ये हमें माइंड में रखना है। तो सबसे पहले हमने एडजस्टेड प्रॉफिट किया, उसके बाद अपनी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज जिनको कहते हैं वर्किंग कैपिटल का हमने ट्रीटमेंट किया फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
तो हमने यहाँ पे अगर करंट एसेट बढ़ी है तो मैंने लेस किया, अगर कम हुई है तो प्लस किया, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ी है तो प्लस किया, करंट लायबिलिटी कम हुई है तो लेस किया। तो ये लास्ट में हम करते हैं टैक्स पेड। अगर हमें इंफॉर्मेशन टैक्स के बारे में गिवन है कि हमने इतना टैक्स पे किया तो ये भी हमारा लेस होगा, क्योंकि इससे हमारी कैश आउटफ्लो होती है, फर्म में कैश बाहर जा रही है, कंसर्न से बाहर जा रही है टैक्स पेड में, तो ये भी हमने लेस किया। जो आंसर मिलेगा यहाँ पे फाइनल आंसर, ये मेरा होगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, फिर वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट करते हैं, फिर टैक्स को पे करते हैं। जो लास्ट आंसर होगा उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड में हमने कैलकुलेट किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश इनफ्लो या आउटफ्लो। अगर हमारी फर्म में प्लस आंसर हो रहा है तो उसको कहते हैं इनफ्लो फ्रॉम, अगर हमारी फर्म से जा रहा है, कंसर्न से जा रहा है, तो उसको कहते हैं कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर हम इनडायरेक्ट में करना चाहते हैं तो ये हमें मेथड को समझना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ज्यादा समय हमें कैलकुलेशन लगता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो पहली एक्टिविटी में बहुत टाइम लगता है। तो पहले हम एडजस्टेड प्रॉफिट करते हैं, फिर हम इंक्रीज डिक्रीज करंट एसेट या लायबिलिटी का चेक करते हैं, लास्ट में टैक्स पे करते हैं, तब हमें आंसर मिलता है इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये मेरा नंबर वन पार्ट था। अब नंबर सेकेंड पार्ट हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो जब भी हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखनी हो, हमें बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट को चेक करना है। फिक्स्ड एसेट में हमारा मशीनरी इंक्लूड होगी, फर्नीचर इंक्लूड होगा, बिल्डिंग इंक्लूड होगी, लैंड इंक्लूड होगा। तो जो भी फिक्स्ड एसेट होगी, कई बार उनका हमें अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो जितनी हमारी फिक्स्ड एसेट है, दीज आर कमिंग इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम फिक्स्ड एसेट लेते हैं, तो सेम यहाँ भी हमें कंपेयर करना है, बिकॉज वी आर गिवन बैलेंस शीट ऑफ टू ईयर रिकॉर्ड, हमें एसेट्स गिवन है। तो जो भी हमारी परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट होगा, अगर हमारी फिक्स्ड एसेट बढ़ रही है, अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस टू करंट ईयर, हमारी मशीनरी इंक्रीज हो रही है, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, अगर करंट इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम इक्विवेलेंट में ले जाते हैं, अगर ओनली इन्वेस्टमेंट लिखा हो तो दैट विल बी कमिंग इन द फिक्स्ड एसेट। तो ओनली अगर हमें इन्वेस्टमेंट लिखा है, शॉर्ट टर्म वर्ड नहीं लिखा, तो उसको हम फिक्स्ड एसेट में लेते हैं। तो जितनी भी फिक्स्ड एसेट इंक्रीज होती हैं फ्रॉम प्रीवियस टू करंट, उसको हम मानते हैं परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, और जितनी हमारी फिक्स्ड एसेट डिक्रीज होती हैं कंपैरिजन में, उसको हम मानते हैं सेल और डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो जनरली अगर लार्ज अमाउंट हमारा डिक्रीज हो रहा है मशीन या बिल्डिंग में, तो उसको हम सेल ही मानते हैं। तो सेल को हम प्लस करते हैं, क्योंकि सेल में हमें मनी मिल रही है, कैश इनफ्लो हो रहा है। जब हम सेल करते हैं किसी भी एसेट की, तो कैश इज कमिंग इन द कंसर्न, तो इसलिए ये इनफ्लो हो जाता है, जिसको हम प्लस करते हैं। अगर हम परचेज करते हैं, देयर इज ए कैश आउटफ्लो, मनी बाहर जाती है, कैश और कैश इक्विवेलेंट हमें देने पड़ते हैं, आउटफ्लो होता है, डिक्रीज होता है, तो वहां पे हम ब्रैकेट का साइन डाल देते हैं। तो जब भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे, वहां पे हमें फर्नीचर इंक्लूड करना होगा, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, इन्वेस्टमेंट, ये फिक्स्ड आइटम एसेट को हम इंक्लूड करते हैं। सेल में मनी प्लस होती है और परचेज में हम माइनस करते हैं, तो नेट आंसर क्या होगा, जिसको हम कहते हैं नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है तो हम फ्रॉम कह देते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर हमारा आंसर नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो जब भी हमारी सेकंड पार्ट होगा, तो यहाँ पे हमें फिक्स्ड एसेट को चेक करना पड़ेगा, जिसमें फर्नीचर इंक्लूड होगा, मशीनरी, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, टूल्स, ये हमारी एसेट इंक्लूड होगी, इनका परचेज और सेल को हम कंपेयर करते हैं विद द टू ईयर इंफॉर्मेशन। ये हमारा सेकंड पार्ट था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब नंबर थर्ड जो हमने पार्ट बनाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट, उसको कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग में हमारे लॉन्ग टर्म लोन इंक्लूड होते हैं,
शेयर कैपिटल इंक्लूड होती है, डिबेंचर इंक्लूड होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्लूड होती है, डिविडेंड पेड इंक्लूड होता है। तो लॉन्ग टर्म हमारी जो भी हमारी शेयर कैपिटल की प्लानिंग है, जिसको कैपिटलाइजेशन कहते हैं, वो हम इंक्लूड करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ये हमारा थर्ड पार्ट है। पहले में हमने ऑपरेटिंग लिया, सेकेंड में हमने इन्वेस्टिंग लिया, अब थर्ड में क्या होगा? अब सबसे पहला पॉइंट होगा इशू ऑफ शेयर कैपिटल एक्सेप्ट बोनस शेयर। तो अगर बोनस शेयर हमें गिवन है, उसको हम शेयर कैपिटल में इशू नहीं मानते, क्योंकि शेयर कैपिटल उससे वैसे ही इंक्रीज हो जाती है। अगर हमारे शेयर कैपिटल बड़े हैं, इंक्रीज हुआ है, टू ईयर की इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस टू करंट करके अगर हम चेक करते हैं, इंक्रीज है, लेकिन वहां पे बोनस नहीं होना चाहिए। अगर बोनस होगा तो वो इशू ऑफ शेयर कैपिटल नहीं माना जाएगा, उसमें हमारा इनफ्लो नहीं होगा। तो बोनस को एक्सेप्ट करके जो भी हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, दैट विल बी ए प्लस पॉइंट, जिसको हम कहते हैं कैश इनफ्लो फॉर कंसर्न। सिमिलरली सेकंड इशू ऑफ डिबेंचर, अगर डिबेंचर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम लास्ट ईयर टू करंट ईयर, इसका मतलब कंपनी ने डिबेंचर को इशू किया होगा, फाइनेंस मिला होगा, कैश इज कमिंग इन द कंसर्न, या बैंक बैलेंस इज कमिंग इन द कंसर्न, और कैश इक्विवेलेंट्स आर इंक्रीजिंग। इसका मतलब है डिबेंचर में भी हमारा प्लस होगा, इशू ऑफ डिबेंचर। सिमिलरली लॉन्ग टर्म लोन, अगर लोन हमारे इंक्रीज हो रहे हैं फॉर्म में, हमने कंपेयर किया मोर्टगेज लोन या लॉन्ग टर्म लोन या बैंक लोन, अगर हमारा बढ़ रहा है, अगर हम कंपेयर करें उसका डिफरेंस, जो डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है उसको हम प्लस करेंगे, दैट विल बी इंक्रीज और इनफ्लो इन द कैश। अब सिमिलरली जो हमारी पेमेंट्स हैं, पेमेंट को हम लेस करेंगे। पहला पॉइंट हो गया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अगर हमारे डिबेंचर लास्ट ईयर से करंट ईयर में डिक्रीज हो रहे हैं, इसको हम मानते हैं कंपनी ने डिबेंचर को रिडीम किया होगा, लायबिलिटी को पे ऑफ किया होगा, तो जितना हमने डिबेंचर को रिडीम किया, इट मींस कैश इज गोइंग आउटसाइड, तो कैश बाहर जा रही है, उसको हम आउटफ्लो कहते हैं, तो ये हम लेस करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सिमिलरली रिडम्पशन ऑफ लोन, अगर बैंक लोन लॉन्ग टर्म लोन हमारा डिक्रीज हो रहा है, उसका डिफरेंस होगा, तो उसको भी हम नेगेटिव दिखाते हैं, ब्रैकेट में शो करते हैं, मनी इज गोइंग आउटफ्लो, कैश हमारा आउटफ्लो हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो हम नेगेटिव दिखाते हैं। एक हम करते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड एक बार अगर मान लो ये एडजस्टमेंट में आता है, इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी हमने माना था यहाँ पे डिविडेंड पेड में, और एक बार इसका सेकंड इफेक्ट हम दिखाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो जितना हम डिविडेंड पे करेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नेगेटिव होगा, हमारी फॉर्म से कैश का आउटफ्लो होगा। तो ये हमारे मैक्सिमम ट्रीटमेंट हो सकते हैं, इसमें और भी हमारे ट्रीटमेंट है, ये मैंने मैक्सिमम समझ के अपने ट्रांजैक्शन लिए हैं जो किसी सम में होते हैं। तो यहाँ का अगर नेट किया जाएगा तो इसका आंसर भी अगर पॉजिटिव होगा तो हम करेंगे नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर इसका नेगेटिव आंसर होगा तो हम करेंगे नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमें तीनों पॉइंट्स का आंसर निकालना होगा। ऑपरेटिंग में भी हमने नेट कैलकुलेट किया, सेकंड हमने इन्वेस्टिंग में भी नेट कैलकुलेट किया, नंबर थर्ड हमने फाइनेंसिंग में भी नेट कैलकुलेट किया, तीनों को हम प्लस करेंगे, हमारा आंसर किसी में पॉजिटिव होगा, किसी में नेगेटिव होगा। अगर तीनों को हम नेट करते हैं, प्लस माइनस करके फाइनल फिगर देखेंगे, दैट विल बी अवर कैश फ्लो फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कंसर्न, ऑल में हमारी तीनों एक्टिविटी कवर हो जाएगी। अगर पॉजिटिव होगा तो हम फ्रॉम पुट करते हैं, अगर नेगेटिव आंसर होगा तो हम करेंगे नेट कैश यूज इन ऑल एक्टिविटी। तो ऑल एक्टिविटी में हम तीन पार्ट्स लेते हैं, ऑपरेटिंग भी इंक्लूड होगी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो इस तरह हम अपना कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं। तो कंसर्न में कितना कैश इनफ्लो हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इसकी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, और यहाँ से हमें गेस होता है कि कौन सी एक्टिविटी में हमारा ज्यादा आउटफ्लो हो रहा है, उसको हम कंट्रोल करेंगे। तो जितना इनफ्लो हो रहा है उसको हम प्रमोट करेंगे। सो दैट इज द टेक्निक फॉर कैलकुलेशन ऑफ
कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन इसके लिए हमें प्राइमरी जो फिगर चाहिए वो चाहिए टू ईयर बैलेंस शीट का रिकॉर्ड चाहिए, जिसमें हमें लायबिलिटीज गिवन हो, एसेट गिवन हो, सेम एज इन केस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो में भी हमें टू ईयर का रिकॉर्ड चाहिए था जिसमें हम कंपैरिजन कर सकें। तो यहाँ भी हम कंपेयर करेंगे थ्री एक्टिविटीज को, हम कैलकुलेट करते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। थैंक यू वेरी मच।